अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद जयान, मेरे अब्बू का नाम फैसल अहमद इकबाल और मैं जामिया रतुल रशीद का तालिब इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलाम अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदकल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन महफिल, 1400 साल पहले जब अरब में वहशियाना रक्स जारी था, जुल्म व बर्बरियत का दौर दौरा था, कबाइली तासुब खून रिज़ी को हवा दे रहा था, हयात इंसानी बहुत अर्ज़ा शह थी, सब आवाम और खवास फख्र गुरूर से गर्दने अकड़ाए जहानत की राह पर गामज़न थे। कहीं इंसान खुद खुदा बन बैठा था, कहीं पत्थरों और दरख्तों के सामने सजदा रेस्ता, दौलत और कुव्वत के नशे में मस्त होकर अकल से बेहरा हो चुका था। सिसकती करहती जिंदगी किसी ऐसी अजीम शख्सियत की मुंतजिर थी जो उस तारीख माशरे में आफ्ताब बनकर उभरे और उसकी रोशनी से अरब का कोना कोना जगमगाने लगे। आखिर रहमत बारी जोश में आए और अरब की सरजमीन पर रहमतुल लिल आलमीन बनकर एक ऐसी हस्ती तशरीफ लाई जिसके कदमों की चाप सुनने के लिए तारीख हमदन गोश्ती। वो इंसान कामिल जिसे देखकर हयात इंसानी नामुकम्मल और अधूरी थी, वो मोहसिन इंसानियत जिसे देखकर इंसानियत और तहजीब के दने मुर्दा पर जान पड़ गई, यानी सैयदुल कौनैन शाफे रोज़े जज़ा सैयदुल वरा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। हक ने हर सौ मुस्तफ़ा का बोल बाला कर दिया, अहद जो रोज़े अजल बांधा था पूरा कर दिया, अहद जो रोज़े अजल बांधा था पूरा कर दिया। परचम तौहीद लहरा कर फ़ज़ाए दहर में, परचम तौहीद लहरा कर फ़ज़ाए दहर में कुफर की दुनिया में कोहराम परबा कर दिया। वाकिर दावाना।